पता नहीं कोरिया वाले क्या करके मानेंगे, इतनी बढ़िया बढ़िया सीरीज निकाल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जो सीरीज देखी है वो भी काफी बढ़िया रही है। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हेलबाउंड सीरीज के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। टोटल इसके अंदर 6 एपिसोड है और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास है, या 1 घंटे से कम 50 मिनट के आसपास है। अब देखो यार, काफी टाइम हो गया मैं मूवी या सीरीज बहुत कम कर चुका हूँ। कम क्या मतलब, मैं देखना ही बंद कर चुका हूँ। रीजन क्या है, देखो यार मन नहीं करता ना देखने का, इसलिए। तो अब इसको देखते हुए मतलब मन नहीं कर रहा, तो मैं बहुत ज्यादा चूजी भी हो गया, मतलब चीजों को बहुत, मतलब जो मूवी होती है सीरीज होती है पहले उसके बारे में पढ़ता हूँ, क्या उसके अंदर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है उसके बारे में सर्च करते हैं, तब जाके उसको देखना मैं प्रेफर करता हूँ। अभी हाल फिलहाल मैं कोई सीरीज या मूवी देख भी नहीं रहा हूँ, उसके बारे में सर्च भी नहीं कर रहा हूँ। बट जब इस सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत सुना मैंने, तो वहां पर मैं मतलब IMDb के ऊपर जाके मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत चेक किया, और इस सीरीज को मैंने जब इसका फर्स्ट एपिसोड चलाया तो इसको बीच बीच में से काट कर देखा, तब मुझे ये थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगी और सोचा कि क्यों ना यार इसको एटलीस्ट ट्राई कर लिया जाए। वहां मैंने इसको देखना स्टार्ट किया, मतलब बीच बीच में से नहीं, एक बार तो स्टार्टिंग में बीच बीच में से देखा कि उसके अंदर VFX जैसी बातें हो रही हैं, तो ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी थी, तब मैंने इसको देखना शुरू किया था। और जब इसका फर्स्ट एपिसोड देखा तो मेरा मन किया यार अभी इसके बारे में एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूं और बता देता हूं कि यार कितनी अच्छी सीरीज जा रही है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो, और इंतजार का फल मीठा होता है, बाद में बात कर लेंगे। तो एटलीस्ट मैंने इसे पूरा किया, और पूरा करने के बाद आप लोगों के सामने मैं प्रकट हुआ हूं बताने के लिए कि कैसी ये सीरीज रही है। अब देखो यार, इस सीरीज को देखने का नजरिया हर एक का अपना अपना हो सकता है, कोई इसको अलग ढंग से ले सकता है, मैंने इसे अपने वे से लिया है। मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो ये सीरीज मुझे पसंद आई है। जैसा इसके अंदर दिखाया गया है, एक धार्मिक मत होता है, लोग उसमें विश्वास करने लगते हैं। अब जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो मतलब अब जो विश्वास कर रहे हैं वो दूसरों को मारना स्टार्ट करते हैं कि भैया इनमें विश्वास कर लो, एक तो वो खौफनाक सा वे सामने आता है। तो मुझे ये चीज काफी पसंद आई है। खैर, सबसे पहले इसकी कहानी की चर्चा कर लेते हैं कि कहानी क्या होने वाली है। दुनिया के अंदर, संसार के अंदर एक अजीबोगरीब घटना होनी स्टार्ट होती है। संसार क्या कहें, साउथ कोरिया के अंदर एक अजीबोगरीब घटना स्टार्ट होती है कि कुछ दानव अचानक से प्रकट होते हैं और वो लोगों को मारने लग रहे हैं, और जो जिन लोगों को मार रहे हैं उनकी पहले एक भविष्यवाणी की जाती है। एक फरिश्ता आता है, जैसा इस सीरीज में बताया गया, एक फरिश्ता आके एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल पर्सन को ये बताएगा कि देखो भैया तुम्हारे दिन पूरे होने वाले हैं, तुम्हारी वह सब लंका लगने वाली है, अब तुम्हारा मतलब कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 3 दिन बाद इतने बजे तुम्हें मतलब मार दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और ठीक उसी समय 3 ये दानव प्रकट होते हैं और इस इंसान को, कोई भी जो इंसान जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, उसको मार के चले जाते हैं। अब इस चीज को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कुछ धार्मिक संगठनों ने, कुछ क्या एक ही धार्मिक संगठन इसमें दिखाया गया, वो इस चीज को लोगों में इस तरीके से प्रोपोगेट कर देता है कि देखो ये ईश्वर कर रहा है, जो लोग बुरे हैं उन लोगों को मारने का काम अब ईश्वर ने अपने हाथ में ले लिया। क्या इंसान के कानून इंसान के लिए मतलब सही हैं, इंसान को वो सही से न्याय दे पा रहे हैं? तो ये सब चीजें जिस तरीके से इसमें दिखाई जाती हैं, तो ये काफी इंटरेक्टिव लगती है हमको, और ये ईश्वर का न्याय मिल रहा है इस चीज को ये धार्मिक संगठन अच्छे से प्रमोट कर पाता है, लोग इसके अंदर यकीन करने लग जाते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको मार पड़नी स्टार्ट हो जाती है, उनका मतलब खून करना स्टार्ट हो जाता है कि लोग उनको मार रहे हैं। एक दूसरा एक संगठन आता है जिसका काम यही होता है कि भैया हाँ जो लोग नहीं मान रहे हैं इनको मार मार कर बनवाया जाए कि हाँ इस संगठन में यकीन करो, वो मानो कि ईश्वर है और ये सारा काम वो है ईश्वर कर रहा है। तो अब एक नए वर्ल्ड, एक नई दुनिया की शुरुआत होती है जहां पर लोग डर रहे हैं ईश्वर से भी, और डर रहे हैं इस धार्मिक संगठन से भी जो ईश्वर का नाम लेकर लोगों को ये पट्टियां पढ़ा रहा है। खैर, मैं नहीं कहने वाला कि इस सीरीज के अंदर क्या सच है, मतलब कोई स्पॉइलर मैं नहीं देने वाला, क्या सच है क्या नहीं है वो तो आप जब ये सीरीज देखोगे तब जानोगे कि क्या असलियत में ईश्वर ये सब चीजें कर रहा है, या धार्मिक संगठन क्या अपने फायदे के लिए इस चीज का फायदा उठा रहा है। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को ये सीरीज देखोगे तभी पता चलेगा, मैं कोई इसके अंदर स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं। खैर, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो इसलिए बताई हैं ताकि आप लोगों की मतलब रुचि बढ़ सके, कि मतलब इसमें इंटरेस्ट आ सके कि काफी अच्छी रही है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ना। अब अगर इस सीरीज के अंदर जस्ट सिंपल यही होता कि ये दानव आ रहे हैं लोगों को मार रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेशन करने
वाले, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्यों मर रहे हैं, तो जस्ट इतना ही होता तो इस सीरीज के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग ना होता। बकायदा कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक धार्मिक संगठन ने वहां पर अपने आप को हावी कर लिया है लोगों के ऊपर, तो ये वाली जो चीज इसमें देखने को मिलती है इसको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। लोगों का विश्वास इसके अंदर जुड़ता है, लोग डर के कारण, जैसे इसके अंदर माहौल दिखाया गया है, डर से ईश्वर में यकीन करना शुरू करते हैं और एक तरीके का अलग ही माहौल बनने लगता है। वो किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन दूसरी ही तरफ कोई एक एरो हेड करके वो लोगों को मार मार के बता रहा है कि हाँ भाई ये करो। देखा जाए एक संगठन जो ये कह रहा है कि आपको ईश्वर का मतलब पालन कर रहे हैं कि ईश्वर कह रहा है कि आप अच्छे काम करिए, ठीक उसी धार्मिक संगठन का एक और हिस्सा है जिसका नाम है एरोहेड, वो लोगों को मार मार के ये बता रहे हैं कि तुम्हें मानना पड़ेगा। तो ये वाली जो इसमें परिस्थिति देखने को मिलती है काफी अच्छी है। लोग इस चीज के बारे में बोलने से अब कतरा रहे हैं क्योंकि अब उनको पता है कि ये धार्मिक संगठन काफी बड़ा हो गया, इनकी पास एक बात बोलने से किसी का भी कत्ल किया जा सकता है। तो ये मुझे काफी पसंद आया है एक माहौल। मुझे देखो तीन दानव से मुझे इतना डर नहीं लगा, मुझे डर लगा या फिर कहूं मुझे जो देखकर चिंतित में महसूस हुआ वो ये कि लोग अब आपस में एक दूसरे से डरने लगे हैं, वो एक दूसरे पे यकीन करने से डरने लगे हैं कि यार कहीं ये उस संगठन का ना हो, कहीं अगर मैंने ये बात बोल दी तो ये मुझे मार ना दे। तो ये वाली जो चीज इसमें दिखाई जाती है कि लोगों का अब एक दूसरे पर यकीन खत्म हो गया है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको बोलने से डर लग रहा है। तो ये काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। जैसे मैंने कहा कि देखो यार किसी का देखने का अपना अपना वे है, मैंने इसको इस वे से देखा है तो मुझे पसंद आई है। अब ये भी हो सकता है कि मैं काफी टाइम से कोई सीरीज या मूवी नहीं देख रहा हूं तो अब इसको देखा तो ये ज्यादा पसंद आ गई, तो ये एक अलग फैक्टर भी हो सकता है। इसके ऊपर मुझे काफी अलग अलग व्यू मिले, जैसे कि मैंने कहा इसको आईएमडीबी के ऊपर मैंने सर्च किया तो काफी लोगों ने इसकी तारीफ भी कर रखी है, वहीं कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी कर रखा है। तो ये सबका अपना अपना मत है कि कोई किस वे में इसको लेता है। तो मुझे ये पर्सनली काफी पसंद आई है। इसके करेक्टर जिस तरीके के इसके अंदर डिजाइन किए गए, मतलब कोई एनिमेशन नहीं है, रियल है, जिस तरीके के करेक्टर हैं उनका इंटेंस रूप हमें देखने को मिलता है वो काफी पसंद आया। और इसके जो मेकर्स हैं, एक सीन है इसके अंदर, काफी सारे सीन है उसको इंटेंस मतलब एकदम बढ़िया बनाने में हमारी मतलब पलके भी ना झपके वहां पर और एकदम सांसें ऊपर हो ही रहे कि यार प्लीज यार ये सब चीजें ना हो, इसके अंदर ये चीज ना दिखाए, वो वाला माहौल इन्होंने अच्छे से क्रिएट करके दिया और लगता है कि यार हाँ काफी बढ़िया मेहनत की गई है। खैर कुछ सवालों के जवाब तो आप लोगों को इस सीरीज के अंदर नहीं मिलने वाले हैं, जब आप इस सीरीज देखोगे तब समझ जाओगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अब ज्यादा इसके बारे में बोलूंगा तो वही बात हो जाएगी कि आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, फिर लोग मुझे ही सुनाने लग जाएंगे और फिर मुझे भी डर लगने लग जाएगा। समझ रहे हो ना मैं इस कनेक्शन को समझा रहा हूं आप लोगों को, तो काफी बनी हुई इस सीरीज के अंदर काफी ज्यादा वॉयलेंस है। वीएफएक्स काफी अच्छे लगे मुझे, करेक्टर भी काफी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, स्टोरी भी मुझे अच्छी लगी है। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर वॉयलेंस काफी ज्यादा भयानक है, मतलब जिस तरीके से चीर फाड़ की जा रही है तो भाई वो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी डब में आप लोगों को ये मिल जाएगी। 6 episode हैं, ज्यादा एपिसोड नहीं है, लगभग आपको 5.5 घंटे के आसपास इस सीरीज को देने पड़ेंगे आपको ये कंप्लीट करनी है। अगर आप लोगों ने सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, आपने इसको किस ढंग से देखा है, आपके आपका नजरिया क्या है, ताकि हम लोग इंटरेक्टिव मतलब बातचीत एक बढ़िया बातचीत कर सके कमेंट सेक्शन में। मैं भी जवाब देने के लिए बैठा रहूंगा, एक तो ही कमेंट आते हैं, खैर अपने दुखड़े पे नहीं जाते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनको रिकमेंडेड जरूर करूंगा कि यार जाकर देखो, पसंद आएगी आप लोगों को, एक जैसे मैंने देखा है अगर आप उस वजह से देखोगे तो डेफिनेटली पसंद आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।